पति पत्नी के बीच विवाद की दरार इतनी बढ़ गई कि शायद इसे पाटना मुश्किल हो गया है। मामला परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा, जहां काउंसलर ने दोनों के बीच समझौते के भरसक प्रयास किए, मगर एक तरफ जहां पति पत्नी को रखने को राजी है, तो वहीं पत्नी और उसकी मां की ऐसी शर्तें हैं जिसे शायद पूरा नहीं किया जा सकता। लिहाजा काउंसलरों ने दोनों की फाइल पुलिस के उच्च अधिकारियों को भेजी है। थाना रामगढ़ जिला फिरोजाबाद के रहने वाली युवती की शादी 2022 में थाना इरादत नगर जिला आगरा के रहने वाले युवक से हुई थी। युवक एक प्राइवेट संस्था में नौकरी करता है। युवक ने अपनी पत्नी और उसकी मां पर पैसों के लेने का आरोप लगाया है। युवक ने अपनी पत्नी पर अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया है। आज परामर्श केंद्र पर अजीब प्रकार के केस आए। थाना रामगढ़ जिला फिरोजाबाद की लड़की थी और लड़का थाना इरादत नगर जिला आगरा का। इनकी दोनों की शादी 2022 में हुई थी। लड़की का कहना ये है कि सर ये मेरे से मारपीट करते हैं, जबकि लड़के का कहना ये है कि सर मैं कोई मारपीट नहीं करता हूँ, मैं अपनी प्राइवेट जॉब करता हूँ, सुबह से शाम तक जॉब पर रहता हूँ और शाम को अपने घर आ जाता हूँ। ये लड़की के संबंध किसी दूसरे व्यक्ति से हैं और मुझे बिना बताए अपनी मायके चली जाती है। जब मैंने लड़की से पूछा कि नहीं सर मेरे पड़ोस का रहने वाला लड़का है, मैं उसके साथ में अपने मायके चली जाती हूँ, तो लड़के का कहना ये है कि सर जब मैं लेने जाता हूँ तो ये आती नहीं है, कहती है कि मैं नहीं आ रही हूँ। युवक ने बताया है कि उसके पड़ोस में रह रहे युवक के साथ उसकी पत्नी के अवैध संबंध हैं। पत्नी रूठ के मायके गई थी, तब पूर्व में उसे 50,000 देकर लाना पड़ा था। अब पत्नी फिर से रूठ गई है और मायके चली गई है। जब उसे मैं लेने गया तो सास ने 5,00,000 रुपए की। जब मैं कुछ लोगों को लेके गया तो इसकी डिमांड 50,000 रुपए की थी। मैंने पैसे दिए, जब जाके लड़की को भेजा। अब दोबारा ये चली गई है सर। अब इसकी डिमांड, इसकी माँ की और इसके घर वालों की डिमांड है कि 5,00,000 रुपए दोगे तो मैं अपनी लड़की को भेजूँगा। तो सर ये बिना पैसे के लड़की को नहीं भेज रहे हैं। जब मैंने इनको समझाया तो लड़की बोली सर मैं किसी भी कीमत पे इसके साथ नहीं जाऊंगी। तो ये फाइल मैंने उच्च अधिकारियों के लिए भेज दिए, प्रेषित कर दिए। दोनों के बीच एक 6 साल की बच्ची भी है। दोनों के बीच विवाद की दरार इतनी बढ़ गई है कि शायद इसे पाटना मुश्किल हो गया है। दोनों पक्षों के एक दूसरे पर गंभीर आरोप हैं। पारिवारिक विवाद की दीवार आरोपों से घिरी है। काउंसलर का कहना है कि इस मामले में समझौते की अब गुंजाइश नहीं बची। फिलहाल अब गेंद पुलिस अधिकारियों के पाले में है। इस फाइल पर पुलिस अधिकारी निर्णय लेंगे, मगर संभावना जताई जा रही है कि समझौता न होने की दशा में अभियोग दर्ज होने की संभावना है। मून न्यूज़ के लिए प्रशांत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट।